بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله خلق خلق मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्ते करता हूँ आज के इस तीसरी क्लास में हमारा मौजूद आज है इलम वालों का मकाम पिछले सीरियल में हमने देखा कि कैसे जहालत एक बुरी चीज है अल्लाह तुर बकर हैाहलों में से मत बनना अल्लाह तया कि जहनमी अफसोस करेंगे कि काश हम सुन लेते सोच लेते तो यहाँ नहीं आते तो हमने ये सब देखते हुए इलम की अहमियत के मुतालिक हमने कई पॉइंट देखे पिछले एपिसोड में हमने इल्म की अहमियत के मुतालिक देखा कि इल्म के रास्ते पर चलने में पांच फायदे वाली हदीस हमने देखी और पहली हदीस में आया था कि साहु अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा सेकंड हदीस में हमने देखा कि लहुल मलाय का रिदन बिमा यसना कि फरिश्ते जो वो कर रहा है उससे खुश होकर उसके लिए अपने परों को बिछा देते हैं तीसरी हदीस में हमने देखा अल्लाह के रसूल सल्ला ने बताया कि सारी मखलूक मकफरत की दुआ करती हैं चौथी हदीस में हमने देखा कि फोअ मंजिल मुजाहिदी फी सभी कि वो मुजाहिद का मकाम उसका होता है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है और पांचवी हदीस में हमने देखा कि जब इल्म की मजलिस में कोई पहुंचता है तो तब चार फायदे होते हैं वहां पर इतमान नाजिल होता है वहां पर अल्लाह की रहमत ढांपी हुई होती है वहां पर फरिशते घेरे हुए होते हैं और अल्लाह ताला उनका बयान करता है उनके पास जो अल्लाह के करीब है आइए अब आगे देखते हैं अब यहां पर इल्म के रास्ते पर चलते 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 जब कोई इल्म वाला बन जाए तो तब उसके क्या क्या फायदे हैं देखिए अगर हमारे सामने गोल क्लियर है तो उसकी उसके ताल्लुक से जो जद्दोजहद करना है जो एफर्ट डालना है उसके लिए भी हम तैयार हो जाएंगे यहां पे बहुत बड़ा मसला ये है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है और उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें नहीं पता है देखिए क्या मसला है कि एक आदमी नहीं जानता है और ये जानता है कि मैं नहीं जानता हूं ये एक है सिंपल जाहिल लेकिन एक जाहिल होता है जो कंपाउंड जाहिल होता है जिसको नहीं मालूम होता है और उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसे नहीं मालूम एक बात सोचने वाली बात है अब हमें से बहुत सारों का ये मानना होता है उफ, मुझे तो सब मालूम है ये आई नो एवरीथिंग अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मालूम हो क्या क्या हमें नहीं मालूम है तो हम वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और इल्म के तालुक से ये गोल हासिल करने में इल्म वाला अगर हम बन जाते हमें पता चले कि क्या बड़ा मकाम है ताला ने बताया, और अल्लाह ने कुरान में कहा सुरे जुमर में सुरा नंबर उनचालीसरांबर थर्टी नाइन आयत नंबर नौ कुल कहो उनसे हर यस तवीदा वदीना लाया क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं क्या वो एक जैसे हैं क्या वो बराबर हैं ऑफ कोर्स बराबर नहीं है जो जानता है और जो नहीं जानता है हाउ कैन दे बी द सेम कैसे वो बराबर हो सकते हैं तो दोनों में फर्क है अल्लाह ताला ने एक रेटोरिक क्वेश्चन पूछा है अल्लाह ताला ने एक बात पूछी है कि क्या वो बराबर हैं यकीनन बराबर नहीं है सही बात यह है कि अगर कोई शख्स जो नहीं जानता अगर वो जान जाए इल्म वाला उसे बता दे तो वो भी बराबर नहीं रहेंगे क्यों क्योंकि इसने उसे बताया तो बताने की वजह से उसकी फजीलत ज्यादा होगी तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने कहा कि क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते क्या वो एक जैसे होते हैं बिल्कुल नहीं होते सूर्य आलरान की आयत है अल्लाह तरमायांबर तीन आयत नंबर अठारह को अल्लाह तुम्हें ईमान वालों को रफा उठाएगा उनके मकाम को उठाएगा उनको अल्लाह तुम बदला देगा वह आखरत में उनके ऊंचे मकाम होंगे यर्फा इलादी आमन उमिन तुम्हें ईमान वालों को अल्लाह उठाएगा इनकार करने वहां कहाँ जाएंगे असफल नीचे असफलिन नीचे की गहराइयों में जाएंगे ईमान वालों को अल्लाह अब गौर करिए और अल्लाह ताला ने सहित में आगे कहारफा इलादीना आमन उमिन दर्जात और वो जिन्हें अल्लाह तिल से नवाजेगा अल्लाह उन्हें तो दर्जात देगा बुलंदियां देगा आयत हमें मिलती है सुरह नंबर आयत नंबर ग्यारह आप गौर करें अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला जिन्हें इल्म देगा उन्हें तो बुलंदियां देगा। यहां पे अल्लाह ताला ने इल्म वालों को अलग से काट करके बताया है देखिए इल्म वाले ईमान वाले ही हैं दोनों ईमान वालों में से ही तो है ना इल्म वाले अलग थोड़ी है कोई अलग स्पीशीज थोड़ी है वो ईमान वालों में से ही तो है इल्म वाले लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान वालों के तालु से कहा अल्लाह उन्हें ऊंचा मकाम देगा वल्लदीना वो तो इल्म लेकिन इल्म वालों को तो दर्जा देगा बुलंदियां देगा गौर करिए देखिए जब अल्लाह ताला अपनी अल्लाह ताला की आदत करीमा है कि जब अल्लाह ताला एक जिन्स में से काट करके अलग तौर पे किसी को बयान करता है तो मतलब उसकी फजीलत अल्लाह ताला, ताला बता रहा है जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया सूरह क़यामा में यौम यकूमुर रूह वल जिस दिन अर्रूह खड़े होंगे और फरिश्ते खड़े होंगे अर्रूह कौन है जबरील अब अल्लाह ताला ने कहा जिस दिन जबरील खड़े होंगे और फरिश्ते खड़े होंगे अब ये जबरील की फजीलत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी जिंद से अपनी कैटेगरी से काट करके अलग तरीके से बताया तो यहां पर अल्लाह तला ने ईमान वालों में से इल वालों को अल्लाह तला ने अलग तरीके से जिक्र किया हालांकि साथ में जिक्र हो रहा है अल्लाह तला ने उन्हें अलग मेन्शन करके उनकी फजीलत बताई तो यहां पे हम ये देख रहे हैं ये इल्म वालों की फजीलत है और हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सुरे अंकबूत की आयत है सुरा नंबर ट्वेंटी नाइन आयत नंबर फिफ्टी थ्री अल्लाह ताला ने बताया वो तिल कलम सालू नदरी बुहालिनास और ये जो मिसालें हैं हमने इंसानों के लिए दी है वो माया अकेलू है लेकिन इल्म वालों के अलावा इसे नहीं समझेंगे अल्लाह तला ने हमें क्या बताया कि इल्म वाले जो स्कॉलर्स होते हैं उनके अलावा आम तौर पे लोग नहीं समझ पाएंगे तो हमें क्या पता चला कि जैसे कुएं का पानी मिसाल के तौर पर सबके लिए है लेकिन जिसके पास बाजुओं में ताकत ज्यादा होगी वो ज्यादा पानी निकाल कर ले आएगा समंदर में से ज्यादा मोती निकाल के लाने की ताकत जिसके पास है वो ज्यादा मोती निकाल के ले आएगा उसी तरह कुरान तो सारे इंसानों के लिए है लेकिन कुछ मिसालें जो अल्लाह ताला ने बताई है अल्लाह ताला ने बताया कि वालों के नहीं समझ पाएंगे इन मिसालों को। तो हम ये देख रहे हैं हमें मिलता है सलफ में कि कई बार कोई आलम अगर किसी मिसाल को नहीं समझ पाता तो कहता कि क्या शायद मैं आलिमों में से नहीं हूँ अल्लाह के नजदीक तो हम यह गौर करें कि यहाँ पे एक बात फजीलत मिल रही है इल वालों की और अल्लाह तक Quran में बताया की आयत है सुरा तीन आयत नंबर अठारह शहीद अल्लाहु। अल्लाह ताला ने गवाही दी अन्नहु इला हुआ। कि नहीं है कोई फरिश्ते भी गवाही देते हैं वो उल्मी और इलम वाले का इम बिलक जो इंसाफ पे कायम है देखिए गौर करिए अल्लाह ने खुद के बाद फरिश्तों के बाद इल वालों का जिक्र किया है यहाँ पे क्या बात है यहाँ पे जब अल्लाह ताला ने इल्म वालों का जिक्र अपने बाद फरिश्तों के बाद इल्म वालों का जिक्र दुनिया में जिसका जिक्र किया है दुनिया के लोगों में से वो इल्म वालों का जिक्र किया अल्लाह तुम उनके मकाम को बताया है देखिए अल्लाह ताला तो खुद जानता ही है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई मबूद बरख नहीं फरिश्ते जानते हैं लेकिन इंसानों में अल्लाह ने किसका जिक्र किया है इल्म वालों का जिक्र किया है देखिए ये जो ऑनरेबल मेन्शन हमें मिल रहे हैं कुरान में सही हदीसों में इससे हमें इल्म वालों का मकाम पता चल रहा है कि स्कॉलर बनना कितनी अच्छी चीज होती है लेकिन ऑफकोर्स इल्म हासिल करने के मुतालिकास तमन्नाओं से नहीं होता हम देखते हैं लेकिन क्या हम उस तलुक से जद्दोजहद कर रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्या हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं कहीं हमें हम सुस्ती तो नहीं आ रही क्या सिर्फ मान लेना काफी है नहीं क्या सिर्फ चलना काफी है नहीं हमारे लिए जरूरी है कि हम वो इरादा रखें अल्लाह की मदद तलब करें सही तरीके से चलें और फिर अल्लाह ताला की मदद से वो चीज हासिल हो सकती है क्योंकि अल्लाह ताला जिसके लिए खैर का इरादा करता है अल्लाह उसे दीन की समझ देता है ये अल्लाह की तरफ से खैर की निशानी है अच्छाई उसकी तरफ आई ये उसकी निशानी है तो हम ये देख रहे हैं ये चार आयात हमने कुरान की देखी अब तक मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पहली आयत हमने देखी जो कुरान की सुर जुमर सुराबर थर्टी नाइन आयत नंबर नौ क्या अल्लाह ताला ने कहा कि क्या वो लोग जो जानते हैं वो लोग जो नहीं जानते एक जैसे होते हैं बिल्कुल नहीं दूसरी आयत जो हमने देखी सूर्य मुजादला की सुर आयत नंबर ग्यारह जिसमें अल्लाह ने कहा अल्लाह ने इल्म वालों को ईमान वालों को अल्लाह उठाएगा और इल्म वालों को तो दर्जात देगा बुलंदियां देगा तीसरी 29 आयत सुर की ट्वेंटी नाइन आयत नंबर फोर्टी थ्री जिसमें अल्लाह ने मिसालों के बारे में बताया कि वमा या नहीं समझेंगे इन बातों को और अल्लाह ताला ने एक चौथी आयत जो हमने देखी सुर इमरान की नंबर आयत जिसमें अल्लाह ताला ने गवाही के मुतालिक कहा कि ताला गवाही देता है फरिश्ते गवाही देते हैं और वाले गवाही देते हैं ये चार आयतों के बाद हम एक पांचवां पॉइंट भी देखते हैं ये पॉइंट हम हदीसों में से देखेंगे सुनत की हदीस है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया और ये हदीस हमें मिलती है सही अलजामे में इसकी तहकीक है हदीस नंबर फाइव सेवन जीरो हदीस नंबर 1602 अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अला बहुत बड़ी बात दी गई गौर से सुनिए अला दर हकीकत बिवेर आगाह हो जाओ अला दुनिया मलून ये दुनिया पर अल्लाह की लानत है वो मलून और माफी और जो कुछ इसमें है वो सब कुछ पे अल्लाह की लानत है अला इन दुनिया मलूना ये दुनिया पर अल्लाह की लानत है वो मलून माफी और जो कुछ इसमें है सब कुछ पे अल्लाह की लानत है रियली है अच्छे अच्छे, अच्छे लोग धोखे में आ जाते हैं अच्छे अच्छे लोग ये दुनिया की चमक धमक अट्रैक्शन उसके चक्कर में पड़ के सही रास्ते से भटक जाते हैं बहुत सारी मिसालें हैं नबी वसल्लम ने कहा दुनिया और उसमें जो कुछ है सब कुछ पे अल्लाह की लानत है ये हकीकत है इसी वजह से कितने सारे लोग सही रास्ते से एवरी सिंगल डे कितने सारे लोग भटक जाते हैं दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा इल्ला सिवाय अब चार है जो बचे हैं जिक्र अल्लाह की याद अल्लाह की याद इस लानत से बची हुई है हु। याद से जुड़ी हुई चीजें अब जिक्र क्या है कोई नमाज पढ़ रहा है जिक्र है कुरान पढ़ रहा है जिक्र है असकार पढ़ रहा है जिक्र है अल्लाह को याद कर रहा है तो जिक्र हुआ याद से जुड़ी हुई चीजें कुछ चीजें अल्लाह की याद से हम जोड़ दें तो लानत से बच जाएंगे कोई कहे कि भाई क्या हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं? क्या लानत मिलेगी हाँ लानत मिलेगी अगर याद नहीं रखेंगे एकरा बिस्म रबी खलक पढ़ अपने रब के नाम से अल्लाह तला ने सिर्फ पढ़ने नहीं कहा मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने पढ़े आज दुनिया के कई सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह को भूल के पढ़ते हैं भाई सिगरेट भी तो एक इन्वेंशन है किसी ने सिगरेट भी तो इन्वेंट किया ड्रग्स जो जितने सारे जो मॉडर्न ड्रग्स है कौन से ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन वाले जो ड्रग्स है नशे वाले ड्रग्स है वो भी तो एक इन्वेंशन है ना बायोलॉजिकल वेपन जिसके जरिए बीमारियां कैसे इंसानों में लाई जाए वो प्लानिंग की जाती है वो भी तो एक इन्वेंशन है पढ़े लोगों ने इल्म तो हासिल किए लेकिन अल्लाह को भूल के हासिल किए अल्लाह ताला ने कहा था इकरा बिस्म रबिक पढ़ अपने रब के नाम से और सबसे अहम इल्म है वो इल्म जो अल्लाह ताला से हमें जोड़ता है अब यहां हम देख रहे हैं कि अगर अल्लाह को भूल कर अगर करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम इंसान क्रिएट करता है तो नबी सल ने कहा वमा वाला याद से जुड़ी हुई चीजें तो याद से जो चीजें जुड़ जाए वो लानत से बच जाती है जैसे मिसाल के तौर पर अब हम अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अल्लाह को याद करके पढ़ेंगे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अल्लाह को याद करके पढ़ेंगे कि कैसे अकाउंट्स हो रहा है कैसे यहां पर फरिश्ते अकाउंट्स कर रहे हैं क्या वाली है हम अगर मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं अल्लाह को याद करके पढ़ रहे हैं कैसे अल्लाह इंसान को बनाया जोग्राफी पढ़ रहे हैं अल्लाह को याद करके पढ़ रहे हैं तो लानत से बचे हुए हैं तीसरा कौन अल्लाह के रसूल ने कहा या तो आलिम या तो तोल इल्म आलिम बचा हुआ है उस लानत से जो इल्म वाला है जिसे अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा वो उस लानत से बचा हुआ है और चौथा कौन बचा हुआ है इल्म बचा हुआ है जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है वो बचा हुआ है तो हमें चाहिए कि हम चार में से एक हो जाए तो ये एक आलिम की फजीलत इस हदीस में भी हमें मिल रही देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब बातें जब सुनते हैं ना फर्स्ट बुक कौन सी हाथ में आती है जाके उठाते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं बोले तो इल्म हासिल करो एक बात याद रखिए इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हासिल करो पढ़ो वो इल्म है नो ऑथेंटिक सोर्स से इल्म हासिल करना होगा अगर हम मिक्स सोर्स से इल्म हासिल करेंगे हमारा इल्म भी मिक्सड अप हो जाएगा हमारे लिए जरूरी है कि हम सही ऑथेंटिक साबित शुदा सोर्स से इल्म हासिल करें जैसे मिसाल के तौर पर कई लोग बोलेंगे हदीस है हदीस सही हो जईफ हो मौजू हो

ये को 63 साहबा ने बयान किया है, दर्जे की है। आप इमेजिन सवाब मिलने वाला है नहीं बल्कि जहन्नम की आंख में जगह मिल जाएगी तो हम ये देखें कि कोई भी हदीस कैसे चलेगी नबी सलम के नाम में झूठ भी चलेगा नहीं चलेगा ये इल्म की कमी है तो मैं आप सबको उभार रहा हूं कि देखिए अगर कुरान और हदीस की बातों से और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये बातों का असर होगा कुरान और हदीस की बातों का और यही मकसद है आपका यहाँ बैठने में और मेरा मकसद है ये बात कहने में देखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जब कभी कुरान और हदीस की बात सुने वो इसलिए ना सुने कि मालूम मालूम हासिल कर रहा हूँ नहीं फॉर अमल अमल के लिए मैं अमल करने के लिए सीख रहा हूँ मैं इस पर अमल करना चाहता हूँ तो इल्म हासिल करना है और सही तरीके से हासिल करना है ऑथेंटिक नॉलेज हासिल करनी है सही बातें हासिल करनी है पहले तो हमें एहसास लाना है कि मुझे नहीं मालूम है और उसके मुताबिक फिर इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलना है जद्दोजहद करनी है आइए एक कहानी सुनाता हूँ आपको रियल कहानी इमाम दारमी ने इस कहानी को अपने इंट्रोडक्शन मुकदमे में एक सही सनत से जमा किया है ये कहानी एक बहुत बड़े स्कॉलर की है और वो स्कॉलर कौन है आपको मालूम है अब्दुल्ला अब्दुल्ला जब अल्लाह के रसूल वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र नॉट इवन ट्वेंटी बीस साल के भी नहीं हुए थे अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआ भी की थी अल्लाहन वीर सुन की समझ दे दे इसे कुरान सिखा दे बुखारी की हदीस है तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सलम की दुआ भी मिली थी अब साहबा में सबके सब, सब से उम्र, उम्र के नहीं थे अब्दुल्लाबिन अब्बास 20 साल की उम्र भी नहीं है ये भी है, और अब साठ साल की उम्र है वो भी है। तो अब्बास, वो बताते हैं लम्मा तुवफा जब नबी इंतकाल हुआ तो वो कहते हैं कि मैंने अपने एक साथी से कहा कि आज बड़े बड़े साहबा जिंदा है क्यों ना ऐसा करें कि उन सबसे जाकर मिलते हैं जो उनके पास इल्म है हदीसें हैं उनसे सीखते हैं ये क्यों कहा आप देखेंगे यंगस्टर्स का आमतौर पे जो नौजवान होते हैं ना उनका मिजाज ऐसा होता है कि जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं एक दो को साथ में लेके जाते हैं अकेले जाने उनको अच्छा नहीं लगता है कोई साथ में हो तो अच्छा लगता है तो अब्दुल्ला ने अपने यंग मिजाज के मुताबिक अपने एक दोस्त से कहा जो एक अंसारी साहबी थे कि चलो जाएंगे पूछेंगे तो अंसारी साहबी ने कहा अब्दुल्ला तुम्हें लगता है कि इतने बड़े बड़े साहबा के होते हुए हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग यंगस्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने उससे छोड़ दिया को आइडिया को नहीं छोड़ी उस बात को नहीं छोड़े और वो कहते हैं कि वो एक एक सहाबी के पास जाने लगे वो कहते हैं जब भी मुझे पता चलता कि किसी सहाबी के पास कोई हदीस है तो मैं उनके घर पर पहुंचता ऐसे वक्त पर जब वो कैल्ला कर रहे होते उनके घर के बाहर जाकर अपनी चादर बिछा करके बैठ जाता और वो कहते हैं कि रेगिस्तान की धूल उड़ उड़ के मेरे चेहरे पे आती वो कह रहे हैं कि जब वो साहबी बाहर निकलते तो कहते हैं अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप चचाजाद भाई हैं आप हमें बुला लेते हैं यानी कि वो कह रहे हैं कि आप क्यों आए हो हम हमें बुला लेते हैं हम आ जाते हैं तो इब्न अब्बास कहते हैं कि नहीं मैं ज्यादा हकदार हूं कि मैं आऊं वो कहते हैं कि इस तरह से वो जा जाकर सीखते गए एक एक सहाबी के पास गए और जा जाकर इल्म हासिल करते गए वो बताते हैं कि फिर एक ऐसा जमाना आया कि बड़े बड़े सहाबा का इंतकाल होने लगा स कोई भी हमेशा तो जिंदा नहीं रहेगा ये बड़े बड़े साहबा का जब इंतकाल होने लगा तो तब लोग सीखने के लिए इनके पास आने लगे वो कहते हैं कि मैं बच गया और वो अंसारी साहब भी बच गए क्योंकि दोनों यंगस्टर्स थे पहले अभी वो बड़े हुए हैं उम्र में बड़ी उम्र, की उम्र बड़ी और बड़े बड़े साहबा का इंतकाल हुआ और ये लोग बाकी हैं तो लोग इनके पास आने लगे सीखने के लिए किसके पास अब्दुल्ला अब्बास के पास और तब जाकर वो अंसारी साहबी ने कहा कि ये मुझसे ज्यादा समझदार निकले हमने इस हदीस से क्या क्या सीखा सबसे पहले तो ये सीख रहे हैं कि जो एफर्ट वो डाल रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिली थी उन्हें लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ कर दी है और अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं तो सबसे बड़ा स्कॉलर ऐसे ही बन जाऊंगा उन्होंने नहीं किया एफर्ट डाले जब उन्हें पता होता कि किसी सहाबी के पास कोई हदीस है वो उनके पास जाते और कब जाते यहाँ पे भी सीखने की बात है वो इस वक्त पर पहुंचते जब वो आराम कर रहे होते तो बाहर चादर बिछा करके बैठ जाते क्या पता चला इससे इससे हम ये सीख रहे हैं कि स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जो तौलब इलम होता है वो टीचर का इंतजार करता है टीचर के आने का इंतजार करता है पहले से जाकर बैठ रहे हैं आज अक्सर जगहों पे तो ये है मौजूद है स्टूडेंट्स गायब है सीखने वालों को इंटरेस्ट ही नहीं है अपने काम धंधे बिजनेस में इतना बिजी है दुनिया के पीछे इतना बिजी है लेकिन दुनिया को छोड़ के जाएंगे दुनिया दुनिया से जाएंगे तो दुनिया को छोड़ कर जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि आज टीचर्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स का इंतजार करते कोई तो आएगा सीखने के लिए कुछ वो थे स्टूडेंट जो जाकर टीचर का निकलने का इंतजार कर रहे हैं और कहा बैठ रहे हैं एसी में बैठ रहे हैं नहीं रेगिस्तान के अंदर और रेगिस्तान की धूल उड़कर उनके चेहरे पे आ रही आप सोचिए सिर्फ इमेजिन करिए ऐसे ही इतने बड़े स्कॉलर नहीं बन गए उनका एफर्ट था और हम ये देख रहे हैं कि जब वो साहब ही कहते हैं कि हमें बुला लेते हैं और हम में से कोई शायद होता बोलते हैं आओ यहां आओ मुझे सिखाओ आप यहां आओ मुझे सिखाओ लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज्यादा हकदार हूं कि मैं आऊं क्यों इससे पता चला स्टूडेंट ऑफ नॉलेज टीचर के पास जाएगा और टीचर के आने से उतना बड़ा नहीं जितना स्टूडेंट के एफर्ट से वो चीज हासिल होती है देखिए इल्म हासिल करने के साथ साथ उसकी जुस्तजूज उसके एफर्ट्स के लिए भी तैयार होना चाहिए तो हम ये देख रहे हैं कि अब्दुल्ला बड़े स्कॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ़ टाइम बने एक वक्त के अरसे में बने और ये कहानी एक सच्ची कहानी अब हो सकता है कि यहाँ पे आज सुनने वाले जो लोग हैं आप सोच रहे हो कि देखो ये सब बातें अच्छी लग रही है लेकिन है ना स्कॉलर उलमा है ना मेरी क्या जरूरत है ऐसे मत सोचिए हो सकता है कि हम में से कोई हो सकता है आप सुन रहे हैं ये बात हो सकता है कि आज से कुछ साल बाद अगर आप अच्छे एफर्ट्स डालें तो दुनिया के लोगों तक इस्लाम की रोशनी पहुंचाने में आप एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे हो सकता है कि आगे के सालों में आप एक बड़े स्कॉलर बनने वाले हैं लेकिन उसके लिए एफर्ट्स डालना कोशिश करना शुरू करना होगा और कुरान और सही हदीसों से ऑथेंटिक इल्म हासिल करें तो मैं आप सबको उभारता हूं कि देखिए आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चलिए सारे अरकान को एनालाइज करते हैं शहादतैन कलमा जो है हमारा शहादतैन जो है ये दोनों में प्रॉब्लम है ला लाला ला में बहुत सारा शिरक लोग कर रहे हैं अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं मालूम भी नहीं है कि वो शिरक कर रहे हैं सबसे बड़ा गुनाह इस जमीन पे होने वाला शिरक है और कर रहे हैं लोग उन्हें पता भी नहीं है ला इलाहा लल्ला भी कर रहे हैं और कह रहे हैं और शिर भी कर रहे हैं बहुत सी मिसालें ये एक सीरियल आगे आने वाली इंशाल्लाह दो पार्ट्स के बाद जिसके अंदर हम शिरक की पूरी पूरी एनालिसिस देखेंगे इंशाल्लाह बिदतें दीन में नई नई चीजें आम है इसके मुताबिक भी एक सीरियल आने वाली इंशाल्लाह हम देखते हैं कि जब नमाज की बात होती है तो नमाज लोग जिंदगी भर पढ़ रहे हैं लेकिन कभी ये नहीं गौर करते हैं कि आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे पढ़ी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमा तुमोनी उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखे हो कैसे जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखे हो बहस पढ़ो सही बुखारी की हदीस है नंबर छह सौ चार वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा जैसे भी समझ में आए पढ़ो जैसे तुम्हारे अब्बा पढ़ते हैं वैसे पढ़ो ऐसे नहीं कहा जैसे तुम्हारे गली के इमाम साहब पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो ऐसे नहीं कहा अब नमाज पढ़ने का तरीका क्या है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने नमाज के मुतल कहा बंदा नमाज पढ़ता है पलटता है वह मैं सलाती ही। और उसके लिए नहीं लिखा जाता सिवाय नमाज का दसवां हिस्सा टेन परसेंट पूरी नमाज पढ़े टेन परसेंट लिखा गया क्यों क्यों जितनी सुन्नत बाहर अमल है जितना खुशु अंदर है उतना ही तो सवाब मिलेगा तो सुहा किसी के लिए न हुआ सुत्सुहा, हा रुबुहा, सुहा रूबुहा किसी के लिए वन पॉइंट एट किसी के लिए वन पॉइंट सेवन छठा हिस्सा पांचवा एक चौथाई एक तिहाई आधा जितना जितनी सुन्नतों पर अमल होगा जितना खुशू होगा उतना सवाब मिलेगा अब मैं आप सबको बताता हूं कि हमारी नमाजें हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्या हमने कॉमन मिस्टेक्स मालूम की जकत जकत के तालुक से देखिए कितने सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि जकत का रमदान से कोई ताल्लुक नहीं है कितने सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि जकत किन किन चीजों पर है और कॉमन मिसकनसेप्शन है कि सिर्फ ढाई टका जकत है हालांकि कुछ चीजों पर पांच कुछ चीजों पर दस कुछ चीजों पर बीस टका भी है क्या है वो जकत के मुताबिक स्टडी करिए इंशाल्लाह आम तौर तो पर ढाई है लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन है तो हमें मालूम होना चाहिए हज हज करने लोग जाते हैं आप हमारा एक कोर्स है हज ट्रेनिंग उसकी नोट अवेलेबल है अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर पूरी लिस्ट ऑफ बिदास दी हुई है तकरीबन डेढ़ सौ के करीब और कोई अगर हज सीखे बगैर जाएगा कम से कम पच्चीस बिदते करके आएगा क्यों क्योंकि इल्म नहीं हासिल करेंगे सब लोग जो करते हैं ना वही करेंगे तो यही हाल होगा कितने लोगों को देखिए वहां जाते हैं जहां जाते हैं, मिट्टी उठा दे जेब में भर देते हैं लोगों को यहां तक देखा गया है कि बिजली के खंभों को चूमते हुए मिले क्यों इल्म नहीं हासिल देखिए जज्बा काफी नहीं है अगर जज्बा नहीं होगा ना जज्बा होगा और इल्म नहीं होगा ना तो क्या होगा आदमी बहुत करेगा लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स करेगा होना क्या चाहिए जज्बा भी चाहिए इल्म भी चाहिए पैदा हो गया बच्चा क्या करना है इंतकाल हो गया किसी का क्या करना है ये जो वक्त होता है ना जिस वक्त पे दिल बहुत नर्म होता है ऐसे वक्तों में बिदतें भी बहुत होती है एक तो लोगों में अमल का जज्बा कम कभी कभी अमल का जज्बा आता है और करते हैं तो बिदतें करते हैं दीन में नई नई चीजों पर अमल करते हैं हम देखे कि कितनी सारी चीजें वजू कैसे टूटता है देखिए मैं सब सवाल उठा रहा हूं आज चाहता हूं कि आप तहकी के रास्ते पर लग जाए वजू कैसे टूटता है नहीं मालूम नहीं मालूम हमें मालूम होना चाहिए वजू किन किन चीजों से टूटता है कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिनसे वजू टूटता है तिजारत तिजारत हम कर रहे हैं तिजारत के उसूल क्या है छह कंडीशन अगर एक ट्रांजेक्शन में नहीं है वो वैलड ट्रांजेक्शन ही नहीं है वो जायज ट्रांजेक्शन ही नहीं है क्या है ये छह छह शर्त मालूम होना चाहिए हमारी एक सीरियल है बिजनेस ट्रांजेक्शन पे आप जरूर देखिए वो मालूम करने इंशाल्लाह। तो हम ये देखिए कैसे मिलेगा ये देखिए कम से कम इतना तो मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना कुछ नहीं मालूम है होता ही है ना जब आदमी के पास थोड़ा इल्म होता है ना उसे ऐसा लगता है सब मालूम है लेकिन जैसे इल्म उसका बढ़ता है ना तो मालूम पड़ता है अरे मुझे ये, ये नहीं मालूम है अब इल्म तो करेंगे तो हमारा उतना हमें पता चलेगा कि कितना कुछ और मुझे सीखना है इंशाल्लाह तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आप सबको भारत हूँ कि हम इल्म के रास्ते पर चलें और आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप अगली सीरियल देखिए जिसके अंदर मैंने लब इम के अंदर एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के अंदर दस खूबियां जो होनी चाहिए उन्हें बताया है और उन्हें सीखने की कोशिश करें मैं आखिर में एक हदीस पढ़ के खत्म करूंगा और ये एक ऐसी हदीस है अल्ला जिसके अंदर ऐसा लगता है जो बात दी गई है वो बिल्कुल इस जमाने में ऐसे फिट दिख रही है जैसे कि ग्लव्स हाथ हाथ जो ग्लव्स में जाकर बैठ जाते हैं ना बिल्कुल जितना परफेक्ट उसी तरह उतना परफेक्शन के साथ ये हदीस दिख रही है कि आज के जमाने में फिट हो रही है हदीस इमाम तबरानी ने अपनी किताब में जमा किया है और सिलसिला सही में इसकी तहकीक मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यह के दो पार्ट है फर्स्ट पार्ट उस जमाने के लिए सहाबा के जमाने के तल्क से पार्ट हमारे जमाने में हमें फुल होता हुआ दिख रहा है अल्लाह आलम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा असबहतुम फी जमान तुम एक ऐसे जमाने में हो सहाबा से कह रहे हैं फीर उनफ जिस जमाने में समझ वाले लोग बहुत सारे हैं वह कलील उन लेकिन तकरीर करने वाले लोग बहुत कम है वह कलील उन सवाल जिस जमाने के सवाल बहुत कम है वह कफीर उन मोहतो और बहुत सारे लोग हैं जवाब देने वाले अल्लाह के रसूल सल ने पिक्चर बताया पिक्चर इमेजिन करिए बहुत सारे समझ वाले लोग बहुत कम स्पीकर तकरीरें करने वाले बहुत कम सवालत लेकिन बहुत सारे जवाब देने वाले लोग ऑथेंटिक हदीस है सही हदीस शेख अबानी ने अपनी तहकीक सही सिलसिला सही है हमें इसे सही दर्जा दिया है नबी कहा फी ही इस जमाने में अल अमल अमल इल्म से ऊंचा मकाम रखता है हम देखते हैं कि अमल ज्यादा के तालुक से नबी सल्लासम ने तरगीब दी कि जो सुन्नतों पर अमल करना अल अमल अलमलखैरुमिन लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा वह सयाती जमान एक ऐसा जमाना आएगा एक ऐसा जमाना आएगा कलील फुकहाहू बहुत कम समझ वाले लोग होंगे फुकहाहू और और, एक ऐसा जमाना आएगा कलील उन फुका वन खुतबाह बहुत कम समझ वाले लोग होंगे लेकिन बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग बात करने वाले लोग बहुत होंगे आज देखिए इल्म के बगैर लोग बात कर रहे हैं बात सुनो बात सुनो इल्म हासिल करो क्या आपको तोहहीद क्या है पता है क्या आपको बिदत क्या है पता है बिदत को पहचाने कैसे पता है बिदत की सात किस्में है कैसे पहचाने तोहीद के ताल्लुक से ने उसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया है पहचानने के लिए क्या हमें पता है तो बहुत कम समझ वाले लोग बहुत सारे बात करने वाले लोग और फिर अल्लाह के रसूल सलम ने कहा वह कतर बहुत सारे सवाल होंगे उस जमाने में वह कलील बहुत कम जवाब देने वाले लोग होंगे अल्लाह के रसूल अल खैर अमल इल्म अमल से भी बेहतर होगा अमल से बेहतर हो, बेहतर होगा का मतलब क्या है अमल से बेहतर होगा उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है फर्ज अमल तो करना ही है इसमें कोई शक नहीं लेकिन कोई सोच रहा है कि मैं कुछ नवाफिल नफिल अमल करूं उससे ज्यादा ऊंचा दर्जा इल्म हासिल करना है और इसके मुतालिका बिन जमान बयान करते हैं और जिससे तहकीक मौजूद है अल्लाह के रसूल ने कहा इबादा इजाफा मुझे इबादत में इजाफे से ज्यादा पसंद है यानी कि कोई सोच रहा है कि मैं अपना थोड़ा इल्म बढ़ाऊं और सोच रहा है कि कुछ मैं नफली इबादतें बढ़ाऊं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मुझे ये ज्यादा पसंद है कि तुम अपने इल्म को बढ़ाओ तो हमें ये बात मिल रही है मेरे भाइयों और बहनें अगर आप सचमुच बहुत महसूस करते हैं मुसलमानों के लिए अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं इंशाल्लाह इस जमाने में सबसे बड़ी सर्विस जो आप दे सकते हैं इस्लाम के लिए वो ये कि आप इल्म हासिल करें अल्लाह के दीन को स्टडी करें और जब हम स्टडी करेंगे और जब हमें बातें पता चलेगी इंशाल्लाह तो हम खुद पहले अपने आप को बचाएंगे खुद सही रास्ते पे चल पाएंगे सही जज्बा भी अंदर पैदा होगा अमल करने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह और और सही रास्ता पता भी चलेगा और फिर उसकी रोशनी में हम इंशाल्लाह दूसरों को भी बचा सकते हैं दूसरों तक भी सही बात पहुंचा सकते हैं तो मैं आप सबको उभार रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में ये मिशन बनाए कि हमें इल्म हासिल करना है और इसी बात से इसी उभारने के साथ मैं एक आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं और अल्लाह के रसूल सलम की हदीस है मुस्तर खाकिम में सही अलजाम में इसकी तहकीक नबी ने कहा फीकुम मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जा रहा हूं लन लनता दिल उबाद इन दो के बाद गुमराह नहीं होंगे किताबुल्लाह व सुन्नती अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नतें गौर करें नबी सल्ला आसम ने बात बताई लेकिन आज ये दो चीजें क्या सचमुच हमारे पास है क्या हमने इन्हें थामा हुआ है क्या हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारा ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है या हम बहुत दूर हो चुके हैं तो नबी सल्लासम की जो गारंटी है वो हमारे लिए अभी नहीं है लन तदिल्लु बाद हुमा। इन दो के बाद तुम गुमराह नहीं होंगे दो चीजें हमारे हाथ से छूट चुकी मैं आप सबको बहाता हूँ कि चलिए आइए जुड़ जाते हैं आइए इल्म हासिल करते हैं थोड़ा वक्त निकालिए जिंदगी से थोड़ा एफर्ट डालिए क्योंकि आखिरत में काम आने वाली चीज है अल्लाह ताला के दिन को चलिए स्टडी करते हैं चलिए आज आज भी मौजूद है आज भी अगर हम सही एफर्ट डालें तो हम सीख लेंगे अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह हम सबको इल्म की अहमियत समझने और उस पर अमल करने की तोफीक दे आमीन वाखुद्दादी بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء